गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज से। हम लोग जावा जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका रेगुलरली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो जो मैं पीडीएफ कल आपको भेजा था, उस पीडीएफ का जो टॉपिक था वो था हमारा नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। एंड कल यानी कि 28 मई 2020 को, और फिर एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, टॉपिक तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका छोटा सा मैंने पार्ट भेजा था, इनहेरिटेंस, यानी कि एक्सटेंडिंग ए क्लास। इस रूप में भी इनहेरिटेंस को हम लोग जानते हैं। तो चलिए, नेस्टिंग ऑफ मेथड। नेस्टिंग ऑफ मेथड देखिए, नेस्टेड लूप हम लोग पढ़ चुके हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। नेस्टेड इफ का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, इफ के अंदर इफ। तो यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ मेथड्स का मतलब ऐसा नहीं है कि मेथड्स के अंदर मेथड्स, है ना, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक बार टॉपिक को क्या कहता है। तो कहता है कि एज वी नो ए मेथड ऑफ ए क्लास कैन बी कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, और द स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड बाय द सेम क्लास नेम यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यानी कि डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम किसी क्लास के मेथड्स को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम से हम कॉल करते हैं। और यदि हमारा मेथड स्टैटिक है तो केवल क्लास नेम का हम इस्तेमाल करके उसको कॉल करते हैं। हाउएवर, इनसाइड द क्लास यानी क्लास के अंदर, ए मेथड कैन बी कॉल्ड बाय अनदर मेथड ओनली यूजिंग इट्स नेम। यानी क्लास के अंदर ही मेथड को कॉल करना हो तो केवल उसके नाम की आवश्यकता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेथड। तो समझ गए होंगे कि नेस्टिंग ऑफ मेथड का मतलब ये नहीं है कि मेथड इनसाइड द मेथड। नेस्टिंग ऑफ मेथड का मतलब है कि कॉलिंग ऑफ मेथड, कॉलिंग ए मेथड बाई अनदर मेथड इनसाइड ए क्लास। क्लास के अंदर ही एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करता है, तो उसे नेस्टिंग ऑफ मेथड के रूप में हम जानते हैं। अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नेस्टिंग ऑफ, व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ मेथड? तो कॉलिंग ए मेथड बाई अनदर मेथड इनसाइड ए क्लास इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेथड। तो ये हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, यहाँ पे क्लास हमारा नेस्टिंग मेथड है, और नीचे हमारा इसमें जो है क्या क्या है। तो इसमें कहता है कि के एम एन तीन वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे नेस्टिंग नाम का हमने एक क्या बना रखा है, तो इंट नेस्टिंग नाम का मेथड है, और इसको एम इक्वल टू एक्स, एन इक्वल टू वाई। उसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक इंट लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट यानी कि बड़ा नाम का, बड़ा वेरिएबल जो होगा उसको ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे पब्लिक इंट लगा हुआ है, इट मीन्स कि इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है, और ये नेस्टिंग मेन क्लास बनाया है, यानी इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है। तो देखिए, यहाँ पर मेन फंक्शन से ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेस्टिंग मेथड एन, एन नाम का हम क्या हमने क्या बनाया, एन नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया नेस्टिंग मेथड क्लास का, है ना, जो ऊपर था अभी हमारा नेस्टिंग मेथड। एक बार फिर से नाम देखना चाहे तो देख लीजिए, इस क्लास का नाम है हमारा नेस्टिंग मेथड, और इसका एन नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ दो पैरामीटर हम भेज रहे हैं, 50 और 40। तो निश्चित रूप से जब ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर भेज रहे हैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और देखते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। तो देखिए, हाँ है, हमारा एक मेथड है, स्पेशल मेथड है, जिसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्लास नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, सो डैट यहाँ पे इसका नाम होगा नेस्टिंग मेथड, यानी कि ये पूरा नाम जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेस्टिंग मेथड मेथड यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है ना। अब यहाँ से जो दो वैल्यू आया एक्स और वाई का, वो एम और एन में चला गया। उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक इंट लार्जेस्ट, तो पब्लिक इंट लार्जेस्ट है, और वॉयड मेथड है हमारा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ से तो केवल कंस्ट्रक्टर कॉल हो करके कंट्रोल फिर यहाँ आ जाएगा, और एन डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल किया गया।
तो एन डॉट डिस्प्ले, तो देखिए इसको पब्लिक मैंने बना रखा है क्योंकि आउटसाइड द क्लास ये कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं लार्ज नाम का, और यहाँ पर इक्वल टू करते हैं लार्जेस्ट, यानी कि पहले जो है हमारा लार्जेस्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब ये कॉलिंग ए मेथड कमेंट लाइन में मैंने लिख रखा है, तो ये इस मेथड को लार्जेस्ट मेथड को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मेथड इसी क्लास का है, नेस्टिंग मेथड क्लास का ही है और यहाँ पर आ जाएगा। अब कहता है कि इफ़ एन इज ग्रेटर देन एन, एम और एन का वैल्यू जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे इसको मिल चुका है, और इफ़ एल्स नॉर्मल इफ़ एल्स का यहाँ पे कंसेप्ट है, लॉजिक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बड़ा होगा, अगर m बड़ा होगा तो m रिटर्न कर देगा, अगर नहीं बड़ा होगा तो else में जा करके n को रिटर्न कर देगा, और वो वैल्यू किस में चला जाएगा, इस लार्ज नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, और फिर लार्जेस्ट वेरिएबल जो होगा जो हम सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा जो वो लार्ज वेरिएबल में चला जाएगा, और यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल हम लार्जेस्ट को क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्ले कराने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इनहेरिटेंस, तो कहता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास बाय एडिंग सम फीचर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ उपयुक्त का इम्पॉर्टेंट फीचर है, हेयर द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, एंड द न्यूली क्रिएटेड क्लास इज नोन एज सब क्लास या डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास, ठीक है। द इनहेरिटेंस अलाउ सब क्लास टू इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ देयर पेरेंट क्लास। अब एडवांटेज देखिए क्या कहता है, रियूजबिलिटी ऑफ कोड इज पॉसिबल, सेविंग द टाइम एंड इफोर्ट विच टर्न्स रिजल्ट्स इन कॉस्ट बेनिफिट। फिर आगे कहता है इट इज यूज टू एड सम इन्हेंसमेंट टू द बेस क्लास। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।